देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जानबूझ के नहीं गिराई मैंने तुम्हारी कुल्फी, माफ कर दो। कैसे माफ कर दो? नहीं माफ कर सकती। मम्मी बोलती है कि गलती की पनिशमेंट मिलती है। दिनेश अकबर को बोल के ना अरेस्ट करवा दूंगी, केस करवा दूंगी मम्मी से बोल के। आपने मेरी कुल्फी गिराई, छोड़ूंगी नहीं आपको। मुझे मेरी कुल्फी चाहिए। नानू, चोट नहीं लगी तुझे नंदू? मेरी कुल्फी गिरा दी उन अंकल ने। क्या हुआ मैत्री? मुझे तो चोट लगी भी नहीं, तुझे क्यों दर्द हो रहा? तेरी वजह से नहीं नंदू, ये ठंडी कुल्फी और मेरे दांतों के बीच रिशुम रिशुम हो रहा है। नंदू तू खत्म कर दी की प्लीज, मैं नहीं खा पाऊंगी। गिलासी दो गिलासी तीन गिलासी चार, पक्की अपनी दोस्ती पक्का अपना प्यार। ये जो दो छोटे छोटे हाथ और आपस में लिपटी हुई छोटी सी उंगलियां देख रहे हैं आप, कहने को दोस्त हैं मगर बहनों से भी ज्यादा करीब। सारी जगह ढूंढ लिया और तुम दोनों यहाँ पापा के स्कूटर पे खेल रहे हो। चलो बेटा घर चलते, अंधेरा होने वाला है। अब कितनी देर बाद मिलेंगे नंदू मुझे? पूरे 12 घंटे बाद कल सुबह। दोनों हमेशा एक दूसरे से चिपके रहते हो, कल बड़ी हो जाओगी, दोनों की शादी हो जाएगी, तब क्या करोगी? एक ही लड़के से दोनों शादी करेंगे ना। हट पगली, दोनों ऐसा नहीं बोलते। पर क्यों नहीं बोलते ऐसा आंटी? बेटा कभी कभी सांस चले बोली गई उल्टी सीधी बातें भी सच हो जाती है। तुम दोनों छोटे हो ना, अभी नहीं समझोगे, जब बड़ी हो जाओगी तो समझ जाओगी। चले घर, आ जाओ। ठीक है, एक गिलासी दो गिलासी तीन गिलासी चार, पक्की अपनी दोस्ती पक्का अपना प्यार। ये माँ ने कह दिया, बच्चों ने मान लिया और कभी ये बात दोबारा जबान पर नहीं लाए। कहते हैं वक्त के साथ साथ सब बदल जाता है। मैत्री और नंदिनी की दोस्ती भी बदली। बचपन की अटखेलियों वाली दोस्ती धीरे धीरे समझ बूझ वाली मैच्योर फ्रेंडशिप बन गई। अरे भैया, पहली बात तो ये कि इलाहाबाद नहीं प्रयागराज, इसीलिए नहीं मिल रहे आपको लाल गुलाब। इलाहाबाद प्रयागराज सब काम मारे हैं, कहीं नहीं मिल रहा है। तो लंदन से मंगवाइए, पर मुझे आज के फंक्शन के लिए लाल गुलाब ही चाहिए। रखते हैं। इस स्पीड से कार चलाएंगे ना तो कल तक ही पहुँचेंगे। हो वेडिंग प्लानर नंदू, हालत देख अपनी, अगर ऐसी शक्ल लेके जाएगी ना तो अगर हमें रेड रोजेस मिल भी गए तो भी मुरझा जाएंगे। बाल बिखर गए हैं, मेकअप स्मज हो गया है, गाड़ी की स्पीड बढ़ गई है, सीट बेल्ट लगाई नहीं है, कच्ची लौकी खाई जा रही है। नंदू मैं देख रही हूँ, जब से बिजी हो गई हूँ ना तेरा सारा डिसिप्लिन गायब हो गया। ऐसी कंडीशन में ये सब मत कर नंदू। मैं तो बहुत अनकंफर्टेबल हूँ सीट बेल्ट से। मेरी गलती क्या? इस बच्चे की गलती है, वो खिला रहा है मुझे ये लौकी। अच्छा, और ये बकवास भी यही करा रहा है? पापा इससे कहिए गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ेगी। आंटी देखिए ना कैसी बातें कर रही है, बच्चा मैं पैदा करने वाली हूँ, बच्चे की तरह मुझे ही ट्रीट कर रही है। हाँ तो थी। अरे पागल कुत्ते ने थोड़ी ना काटा हमें, जो बरिया के छत्ते में हाथ दे। भैया तुम दोनों का रायता फैलाया हुआ है, तुम ही समझो। करेक्ट, बात बार बार तुम्हारी यही बातें ना हमें हंसाएंगी भी और रुलाएंगी भी। ओ मिस मम्मी, जाने दो ना यार दीदी को, एक सीट खाली होगी, मेरा भी प्रमोशन होगा, मैं भी इस डिक्की से निकल के सीट पर पहुंचना चाहता हूं। बेटा देख ले, जितने भी सपने देखने हैं ना देख ले, लेकिन जब तक मैं और नंदू एक साथ है ये सीट तुझे मिलने से रही। और सचिन हम ना अलग नहीं होंगे कभी नहीं।
पहुंचे हैं मिस्टर आशीष तिवारी? क्रिसमस ट्री बना घूम रहा हूँ, जितनी लाइट है सारी लगवा रहा हूँ। अरे यू आर सच अ ढपो शंकी, मैंने कहा था ना लिस्ट में जो लाइटें लिखी हैं वही लानी है, तो फिर? लेकिन मुझे हाँ, मगर वो जो लिस्ट है उसकी। एक्सक्यूज मी एडवोकेट आशीष जी। आप यहाँ? सॉरी, पता है कि आप बहुत बिजी हैं। आपके ऑफिस से हमें पता चला कि आप मार्केट में होंगे। अरे आपको इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत थी? आपके पास जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन है आप ऑफिस में भिजवा दो, और कोई भी एविडेंस कि आपके पति आपको मारते हैं वो भी। कौन से एविडेंस? अरे मैं लाइट्स की बात कर रही हूँ। दरअसल वो क्या है ना, एविडेंस मिलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ लेकिन एक कंप्यूटर वाला है मेरे पहचान का, वो सारा वीडियो फाइल एडिट कर रहा है। एडिट कर रहा है मतलब आप एविडेंस को मैनिपुलेट कर रही हैं? इसका मतलब आपका पति आप पर हाथ नहीं उठाता, आपको तंग नहीं करता, राइट? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैडम, मैं फेक केसेस नहीं लड़ता। अरे सुनिए तो, आप पैसे कमाने का काम करिए ना। अच्छा हमें बताइए आपको और कितने पैसे चाहिए, हम देंगे ना। मैडम आप गलत दुकान पर आ गई हैं, मैं ईमानदारी से सच्चे केसेस लड़के ठीक ठाक कमा लेता हूँ, मेरा परिवार खुश है। गलत को सही साबित करने वाले केसेस लड़ने की पर्सनली मुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे सॉरी सॉरी, वो मैं छोड़ो, बताओ क्या कह रही थी। हाँ मैं यही कह रही थी कि सारी लाइटें लाने की जरूरत नहीं है, जितना लिस्ट में लिखा है उतनी ही लाइट्स लानी है। अरे हाँ हाँ बाबा, उसी हिसाब से ला रहा हूँ, और अगर थोड़ी देर में और यहाँ पे ऐसे खड़ा रहा ना तो लोग पैसे उछालना शुरू कर देंगे मेरे ऊपर। अच्छा चलो जल्दी से घर पे मिलते हैं, बाय। अरे बाबा मेरे पति से मेरी बात तो करा दे। डिस्कनेक्ट हो गया। ये काम कब खत्म होगा? नंदू संभल के, आराम से आजा। अरे भैया फंक्शन आज ही है, जल्दी से खत्म कीजिए ना डेकोरेशन। ये नंदू देखना, वो लड़िया लगाओ ना। अरे भैया थोड़ी तेजी दिखाइए काम में, मेरी पत्नी की जिगरी दोस्त की सगाई है, मैडम और मैडम की बॉडीगार्ड दोनों आ गई हैं। आज भी दे दो। प्रयागराज से ना बोरी बिस्तर उठाओगे आप लोग मेरा? अरे आप लगाओ ना। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अंकल नमस्ते। खुश रहो बेटा। ए बड़ी भैया, लाइट मैंने कब से मंगवाई थी। हाँ आप भी लेकर आप चलते बनो जरा, अब एक बार और लाइट बोला ना तो मेरा ये फ्यूज ऑफ हो जाएगा। हो गया ना इवेंट का काम खत्म, अब शराफत से दुल्हन के मोड में आ जाओ। टफर तेरी ही सगाई है, और माँ ठीक तो कह रही है। All that glitters is not gold. अब ये यहाँ कैसे आ गया? अब सारे शेक्सपियर बन रहे थे तो मैंने सोचा कि एक लाइन मैं भी मार दूँ। राइट मैत्री। अरे अंकल आंटी आपको तो भरोसा है ना मेरे ऊपर? अरे बेटा हमारी बेटी अब तुम्हारे घर की बहू बनने जा रही है, और तुम अब भी भरोसे की बात कर रहे हो? वकील साहब भरोसा इनटू चार निभाना पड़ेगा, सोच लीजिए। वो क्यों? मैं बताती हूँ, देखिए मेरी जिंदगी का सबसे पहला इवेंट आपने दिया, एक मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, दूसरा मेरी बेस्ट फ्रेंड के पति हो, तीन और अब मेरे होने वाले पति के बड़े भाई हो, चौथा हो गए ना चार। अब तो जुबान दे दिए मैडम, एक दो तीन चार, बार बार लगातार। मैत्री तेरे वकील साहब कमिट तो कर देते हैं लेकिन निभाना नहीं आता इन्हें। अरे ओम, आज का अखबार देखे थे का? जी भाभी। भाई हमारी खबर के अनुसार तो नंदनी अपने घर की बहू है, तो फिर ये पार्टी बदल के लड़की वालों के साथ उछलते हुए कहाँ आ रही है? नमस्ते माता जी। हाँ नमस्ते। अरे बोलो ना। जी जी दोनों इतनी पक्की सहेलियां ठहरी तो हमने भी जाने दिया नंदनी को। हाँ भाई तुम्हारी बहू है, जो जी चाहे करो, हम काहे अपना भोपू बजाएं। भाभी
बाकी हम ही कह रहे हैं कि जच्चा हो, कोनो ऊंटनी तो हो नहीं कि चल पड़ी रेगिस्तान नापने हैं ये बड़े बड़े हील जूते पहन के। अरे हाँ हाँ क्या कर रही हो, जच्चा को ऐसी हालत में इतना चलना ना चाहिए भाई। हमें तो कछु लेना देना नहीं है, हम तो पड़ते ही ना है किसी के चक्करों में, पड़ते हैं कभी हैं? कुछ भी करते हो। अरे आ गए, चलो चलो मुंह सीधा कर लो। हाँ। हैं आइए आइए। नमस्ते 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 भाई, नमस्ते बहन जी, नमस्ते भाई साहब जी। आप लोग सब कैसे हैं? बस दिन काट रहे हैं। वाह हमारी प्यारी बहू आ गई। अब दोनों खड़े काके लागू पाए, सासू पहले आत है कि कौन इन्हें समझाए। बेटा पहले जीजी के पैर छू। सच दीदी कितनी मजाकिया है ना। जीती रहे, आंटी सॉरी। मम्मी जी वो क्या है ना, मैंने इस घर के लोगों को हमेशा एक सा ही देखा है, एक सी इज्जत और प्यार करती हूँ। आंटी पहले आ गई तो आगे से ध्यान रखूंगी। देखा कुसुम, गलती करना बुरा ना हो है, गलती करके उसे ना मानना बुरा हो है ना। देखो मैत्री से गलती हो गई तो बिचारी ने तुरंत से पहले मान भी ली, सुधार भी ली। शाबाश बेटा शाबाश, वरना आजकल की बहुएं तो इसी से साबित हो गया ना कि जी जी आपने सारांश की दुल्हन चुनने में कोई गलती नहीं की। हाँ। हाँ? वही तो। जुग जुग जी बेटा। अरे बहू कोनो बर्थडे पार्टी थोड़ी है, सगाई है तुम्हारी सगाई। ये कंचों की माला काहे पहनाई बेटा? ताई जी ये हार मैंने सिलेक्ट किया है मैत्री के लिए। काफी सटल है और क्लासी भी लग रहा है नहीं ताई जी, और मेरी मैत्री पे काफी सूट भी कर रहा है। आपको कैसा लगा? ये ले, ये हार पहन ले। हाँ, जे हुई ना बात। अब लग रहा है जोर जोर से कि शादी है इसकी, है? लेकिन ताई जी क्या बात है, क्या बात है ताई जी, मतलब यही तो बात है। कैसे कर लेते हो आप, एक छोटी सी कमी थी वो आपने पूरी कर दी, लाइक चेरी ऑन द केक। मतलब अब जाके हुई ना तैयार सारांश की होने वाली दुल्हन और आपकी बहू, है ना? हाँ। जिसमें थोड़ी मेहनत नंदू की है, थोड़ी ज्यादा आपकी और बाकी बचा कुचा मैत्री का, है ना ताई जी? हाँ बेटा। तो मिला जिला के हुआ हैप्पी फैमिली सुपर फैमिली। मैत्री तुम्हें साथ ऊपर चलना, टचअप भी कर ले। मम्मी जी मैं जाऊं? हाँ हाँ बेटा जाओ जाओ। अरे आप सब लोग खड़े क्यों हैं? आइए ना बैठते हैं। आइए चलो बैठ बेटा बैठ।
हमारे होने वाले दामाद जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे? अरे लंदन से आया है, लंदन से हवाई जहाज में आया है ना, वैसे तो बिजनेस क्लास में आया है, है फिर भी थकान तो हो ही जाए आप समझो है, पर आप निश्चिंत होकर पसर जाओ, 7:24 का मुहूर्त है ना, 7:24 से पहले हमारा बालक एकदम तैयार मिलेगा आपको है? यार मैत्री, मैंने कितना सोच समझ के आज का लुक तेरा डिजाइन किया था, लेकिन नहीं, पहना दिया है तुझे ये डायनासोर के जमाने का बोरिंग सा नेकलेस, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा है। नंदू, उनकी होने वाली बहू हूँ मैं, कर लेने दे उन्हें भी अपने मन की। तो ठीक है, तू मुझसे प्रॉमिस कर कि सगाई के बाद तू मेरे वाले लुक में अपना फोटोशूट करवाएगी। डन, अब स्माइल कर ले। तुझे पता है मैत्री, सोना ताई ना, जब तक मुझे नीचे ना दिखा दें, मेरी बात ना काट दें, तब तक उनका खाना हजम नहीं होता है। और तो दूसरी साइड से मेरी सास देखना, कितनी स्वीट सी है, भोली सी, मासूम सी, उन्हें तो आज तक मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये सोना ताई जी को ना हमेशा नुक्ता चीनी करना जरूरी है बीच में। नंदू? क्या नंदू मैत्री, तू उनके नजरिए से भी सोच, उनके पति मेरे होने वाले ससुर जी, तू जानती है ना क्या हुआ था? यार उनका एक ही बेटा है, और वैसे भी सोना ताई जी से ज्यादा मेरी प्रॉब्लम सारांश जी है। सारांश और प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं, फिक्र समझ ले। हाँ तो क्या फिक्र है, बोल। अब फूटेगी मुंह से। मैत्री, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुझे सारांश पसंद नहीं है? एक्चुअली सारांश जी भी नहीं, इट्स अबाउट मी, शादी हो रही है मेरी, मैं उन्हें ठीक से जानती तक नहीं, थोड़ा नर्वस होना तो बनता है, मुश्किल से 3-4 बार मिली हूं उनसे। हमसे तो 3-4 हजार बार मिली है ना, मतलब? अरे बाबा, मेरा मतलब है कि तू मुझे और आशीष को तो अच्छे से जानती है, और हमसे इतनी बार मिल भी चुकी है, तो हम दोनों को लगता है कि सारांश तेरे लिए बेस्ट मैच है, और हमारी जजमेंट में तो भरोसा है ना तुझे, है ना? हाँ हाँ पगली, तुम लोगों के भरोसे ही तो शादी कर रही हूँ। गिलासी, दो गिलासी, 3 गिलासी, 4 पक्की अपनी दोस्ती, पक्का अपना प्यार। ब्रेकिंग न्यूज माय लॉर्ड, जितनी पक्की अपनी दोस्ती है उतना ही पक्का मेरा और सारांश का ब्रोचारा। मैत्री, तुम इस दुनिया की सेकंड सबसे लकी लड़की हो कि तुम्हारी शादी मेरे भाई सारांश से होने जा रही है। सेकंड? क्योंकि फर्स्ट नंबर तो इनका है कि इनकी शादी योर्स ट्रूली से हुई। देख रही है मैत्री, इनका कंपास घूम फिर कर इन्हीं की तरफ पॉइंट करता है, अजीब जबरदस्ती है, घुसे ही चले आ रहे। अबे काहे नहीं आएंगे बे, हमारे भाई की शादी है, स्टेज पे चढ़ के नाचेंगे हम।
ये देखो इनके अंदर का प्रयागराज जाग उठा। अबे अबे का बे? अबे दिल की बात तो अपनी भाषा में निकलती है, और वैसे भी अपना भाई ना हीरा है हीरा। आपकी होने वाली बहू भी ना हीरे से कम नहीं है बहन जी। अरे अपना दही तो सबको प्यारा लगे है बहन जी, लेकिन हमारा सारांश ना लंदन में रह के आया है। लंदन में वहाँ तो वो दही नहीं खाते, योगर्ट फोगर्ट कुछ खाते हैं, लेकिन हमारा सारांश है ना उसे आज भी लाला राम के दही भल्ले सबसे ज्यादा पसंद है। मजाल है लड़का अपने संस्कार से जरा भी हिलाओ। आपकी लड़की भाग्यशाली है कि हमारा बालक उसे पति के रूप में मिल रहा है। क्या घर पे डिलीवरी करवा सकते हो? माल खत्म हो गया यार। बैगाजन समझ लियो काबे तुम। अबे ड्रग्स बेच रहे हैं, नो होम डिलीवरी। अरे तो तुम्ही से तो लेता हूँ हर बार, प्लीज करवा देना यार घर पे डिलीवरी जल्दी जल्दी से। चाहिए हो तो यहाँ आइए और लेके जाइए, समझे? हेलो 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 हेलो, कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ, बाहर तो सब होंगे। थोड़ा सा तो लेट हुआ है। अरे बाबा मेरी बात तो सुनो। नंदू नंदू यार अब मान भी जाओ। अच्छा तो एक फूल से मेरा क्या होगा, तो दो ले लो, तो तीन ले लो, बस तीन, तो चार ले लो, चार पांच छह सात, अरे ये तो निकलते ही जा रहे हैं भाई। मिस्टर आशीष तिवारी, ये चार गुलाब से ना गर्लफ्रेंड मानती हूँ, बीवी नहीं। अरे तो कौन कमबख्त बीवी को पटा रहा है। ए बेबी व्हाट्स अप यार, तुम्हारी मम्मी ने ना बहुत परेशान कर दिया, आजकल हंसती नहीं है थोड़ा सा भी। तुम आ जाओ तो शायद मान जाए। हमसे तो लग रहा है जैसे कि मन भर गया अब आपकी मम्मी का। वेरी फनी, आई लव यू गाइस। तुम दोनों से बेटर कपल ना हो ही नहीं सकता। आई रियली होप मेरा और सारांश जी का रिश्ता भी बिल्कुल ऐसा ही हो। कितनी सुंदर है होने वाली दुल्हन। नंदिनी ने बहुत सुंदर और अच्छी देवरानी चुनी है सोना जी। क्या फुसल फुसल काय कर रही है, नंदिनी कौन होती है चुनने वाली है? उसने तो खाली नाम सुझाया था, चुनी तो हमने है। पसंद ना आती रिजेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन पसंद आ गई है। काहे की सुंदर है, सरल है, संस्कारी है बच्ची। नंदिनी जैसी ना है जो घर सर पे उठा के घूमती फिरे 24 घंटे। बहू वो अच्छी जो दब के झुक के चले, घर सर पे ना उठाए बावली की तरह, कमर पे संभाले। व्हाइट रोज़ेस, सुनो एक मिनट चलो कुछ काम है। क्यों? चलो ना यार। नहीं चलो ना यार आशीष, चलो आशीष यहाँ एंगेजमेंट स्टार्ट होने वाली है, मैं नहीं जा रही कहीं, मैं जल्दी से वापस आ जाएगा। कहाँ लेके जा रही हो? चुपचाप चलो। आशीष कहाँ ले जा रहे हो मुझे? थोड़ा तो सबर करो। चुछ।
ओ, तो ये था तुम्हारा अर्जेंट काम? हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं सिर्फ 4 रोजेज लाऊंगा तुम्हारे लिए? अरे बहन जी, मुहूर्त का समय हो रहा है, दूल्हे को बुलवा लीजिए। हाँ, बुला रहे। सारांश, बेटा सारांश, अरे आजा, बालक मुहूर्त का समय हो गया। कहाँ चला गया ये लड़का? बेटा इधर आजा, मुहूर्त का समय हो रहा है। हाँ ताई जी, लेकर आता हूँ सारांश को। जाओ, संभल के जाना। माल देना। अरे छोड़ना, जानता है वो मुझे। माल देना, माल जल्दी 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 ला देना यार। 10 10 सोने की अंगूठी 20,000 की। कर ले, कर ले, चेक कर ले। असली 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 है। ए, इंजेक्शन। ताई जी बुला रही है, 7 महीने का टाइम हो रहा है। सारांश, अबे ये क्या हाल कर दिया कमरे का? लंदन बेच के भी कोई फायदा नहीं हुआ, बच्चा का बच्चा ही है। अरे पर इस वक्त गया कहाँ? चान मारो। वो रहा, पकड़ो उसे।